16 दिसंबर इतिहास के पन्ने पलट के देखेंगे तो भारत के वीर सपूतों के परम साहस और वीरता के किस्से सामने आते हैं। विजय दिवस 16 सितंबर 1971 16 दिसंबर विजय दिवस। विजय दिवस भारत में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान में 13 दिन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और पूर्व प्रांत पाकिस्तान को आज़ादी मिली, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। यह दिन भारतीय सेना की जीत और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए समर्पित है। विजय दिवस का उद्देश्य भारत की सेना के शौर्य और बलिदान को याद करना है, बांग्लादेश की आज़ादी के महत्व को मनाना है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने भारत के पूर्व सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 गिनीज बुक में अंकित है। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के समय भारतीय सेना के अध्यक्ष फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ थे। मानेकशॉ के समक्ष सैन्य नेतृत्व से 1971 के युद्ध में मिली जीत से राष्ट्र को आत्मविश्वास की एक नई भावना मिली। उनकी सेवाओं को देखते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें फील्ड मार्शल बनाया। भारत अपने पड़ोसियों देशों के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते चाहता है। जब भी हमारे पड़ोसी मुल्क को हमारी जरूरत पड़ती, हमने उदारता दिखाते हुए एक कदम बढ़ाकर मदद की है। लेकिन अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने अपनी सीमा लांघी है तो हमने सही वक्त पर करारा जवाब भी दिया है। 1971 की विजय गाथा भारतीय सैनिकों के उद्यमय साहस और शौर्य की एक ऐसी कहानी है जो हमेशा ही अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत के सेना ने हमेशा ही भारत देश का नाम ऊंचा रखा है, तो हम सभी भारतीयों को 16 दिसंबर विजय दिवस नहीं भूलना चाहिए।